सुहाया। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभु घर में आया रहा। ये रहाव दा बंदा। हुण इत्थे पंजवें पातशाह जी की कहिंदे ने, कहिंदे मेरे मालक ने मेरे उत्ते मेहर कीती, मेरे वाहिगुरू जी ने मेरे सच्चे पातशाह ने मेरे उत्ते मेहर कीती। किवें कीती? मेरा मन ते मेरा तन उन्हें सोहना बनाता। वैसे परमात्मा ने सोहना तो बहुत ज़्यादा बनाया, कोई शक नहीं। परमात्मा ने साडे शरीर का जिहड़ा नमूना बनाया ना, देखो आपां वी कहिंदे आ रब जाणे पता नहीं कित्थों नमूना लैता। इहदे बारे पूरी दुनिया दे विच आपां इस गल नूं घुमा के वेख लो, कितों क्लीयर जवाब नहीं मिलेगा भी मनुखा शरीर का नमूना कितों लैता। पूरी दुनिया दे विच कितों भी सानू ये प्रूफ नहीं मिलेगा। जिवें आपां वेखदे आ ना भी हर एक चीज़ का पहली बार बनना, उहदा नमूना खरीदना, प्राप्त करना, जो मनुखी शरीर चीज़ां घड़दा ना तां उहदा किते ना किते अड्डा हुंदा भी फलाने शहर की गड्डी, फलाने शहर का मोबाइल, फलाने शहर का फ्रिज, इदां दीआं जो भी आपां वस्तुआं वरतदे आ सारिआं दा नमूना मनुख ने कितों ना कितों प्राप्त कीता। पर जिन्हें जीव ने कुदरत के पसारे विच खिलरे हुए इन्हां दा नमूना परमात्मा ने कित्थों लैता, इहदे बारे कोई सोच नहीं सकता। बुझना तो दूर दी गल आ। ते हुण जिहड़ा शरीर आ इह सोहणा बहुत बनाया, इहदे च कोई शक नहीं। हर एक अंग की किरिया, उहदी किरिया अनुसार परमात्मा ने हथ पैर बाहां नक्क मूँह लाया। अखां सैड ते नहीं लाईआं गईआं, अखां बिल्कुल सामने लग गई जिथे लोड़ सी। जिथे लोड़ आ नक्क लाया, जिथे लोड़ आ मूँह लाया, जिथे लोड़ आ जीभ लाई है। जिवें कुदरत ने फिर निजम दिते, वो निजमां दे मुताबिक ही सारी क्रिया चल रही है। कहने तो भाव उन्हें नमूना बहुत सोहना बनाया। पर कई बार मिस्त्री ने मकान बहुत सोहना बनाता, कारीगर ने कोई गड्डी बड़ी सोहनी बना के भेज, पर उस संभालने वाला ना, उसकी सफाई करने वाला, उसकी केयर करने वाला नकम्मा होता। तो फिर की होंगे, वो बहुत ही बुनियादी पानी कह दें, देखो कितना सोहना घर आ, संभालने की कमी है भाई। संभाल जरूरी है ना, इन्नी सोहनी कोई वहीकल आ, गड्डी आ, संभालने की कमी है। समय सिर तेल पानी भी चेक किया, कोई देखभाल नहीं की, वो साफ सफाई नहीं की, वो बहुता लंबा टाइम नहीं थोड़े टाइम से खत्म हो जाएगी। इवें जिवें शरीर रूपी गड्डी परमात्मा रूपी मिस्त्री ने कारीगर ने बहुत सोहनी बना दी, फिर पातशाह जी कहते ना अगे संभाल किने करनी सी, असी संभाल करनी सी ना, असी संभाल कर नहीं सके। बस असली गल असी केयर देखभाल सही ढंग ना कर नहीं सके। जिवें अपनी आम ही कहावत आ भी कोई भी मशीनरी आ भाई चल दू कोई वधिया रहिंदी आ, खड़ जे तां खराब हो जाती है। इवें जिवें ये शरीर तुरदा फिरदा रब्बी निजम की पालना करता होया ही वधिया रहिंदा गा, ते जे इहनूं रब्बी निजमां तों तोड़ लिया जावे तां इह खराब हो जाता गा। हुण वह खराब दिशा दे विच्चों चंगे पक्ष वल गुरु साहब ने इशारा किया, प्रेरित किया। कहिंदा मेरा ना हुण गुरु पातशाह कहिंदे मन ते तन सोहना बन गया। किवें बनिया, क्यों बनिया, की पहला गंदा सी? हाँ, पहला मैं अकल नहीं सी। आप अपने ते गल करनी, गुरु साहब नूं अकल बहुत ज़्यादा आ, साडी गल आ, पहला सानू अकल नहीं सी, असी हुण सोहना बना लिया। फिर दूजे साडे साथी ने आके पुछ लिया, जां किसी भैण ने आके पुछ लिया भी तू किवें इस शरीर नूं सोहना बनाया, मन नूं सोहना किवें बना लिया, भैणे मैनूं भी दस दे, मैनू भी दस तू किहड़ी चीज़ वरती आ भी जिस चीज़ नूं वरतन करके तेरा मन तन सोहना बन गया। फिर रब्बी प्यार दे विच जिंदगी जिउण वाले भरा ने भैण ने सानू दसता, वो कौन ने पंजवें पातशाह? असीं सारे ने इकट्ठे होकर पुछ लिया कि
कि भाई सोना बने सच्चे पातशाह पहला सोना नहीं सी गुरु कहते सोना बहुत सीगा पर कुछ क बंदे दियां मनुख दियां गलतियां ने जिन्होंने बिगाड़ता सचमुची रब का घर सी पर एक ठेका बन गया सचमुच ने सचखंड सी पर नरखंड ही बनया पैगा शराबा पी के समय खा के भुखियां खा के गंदे काम करके की बनया पा नरखंड ही बन गया सचखंड थोड़ी है। तो गुरु साहब ने बकायदा बाणी में सचखंड कहा शरीर में सचखंड वसै निरंकार आ निरंकार परमात्मा सचखंड चाहता कदों रहन लगता गा जदों इनू संभालना शुरू करता सफाई शुरू करती। तो अपने बोल भी है ना जहां सफाई तहां खुदाई उथे खुदा जिथे सफाई है ना उथे खुदा गा। हुण जदों इदां दी तरतीब बन गई फिर गुरु साहब जी कहिंदे ओ वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा दी किरपा सदका ओ मालक ने मेरे ते इन्नी क बख्शिश कीती मैं अपने मन दे विचार भी सोहणे बना ले। जदों मन दे विचार सोहणे बन गए ना ते मेरा तन भी सोहणा बन गया मन भी सोहणा ते तन भी सोहणा बहुत ज़्यादा सोहणा बन गया। सोहणे दा की प्रूफ आ ये तन हरेक नूं चंगा लगण लग गया हरेक शाबाशी देण लग गया फलाना बंदा तो भाई बहुत वधिया वो तो ना बड़े तड़के उठता गा किसी दे नाल कोई फालतू की गलबात नहीं करता गुरबाणी पढ़ता सतसंगत करता गुरु नानक पातशाह की शोभा करता वड्याई करता गा तो अपनी मस्ती चलता आम ही कहने लग जाते। अच्छा यही शरीर तड़के कम नहीं करता अमृत वेले नहीं कम करता है ना तो फिर ये शरीर ठेके ते जांदा महफल विच जांदा क्लबा जांदा आ थोड़े दिन पहले की हाल होया वैसे तो बहुत ज़्यादा मंदड़ा हाल हो गया चलो हाल का तुम्हें पता किमें निके निके न्याणे चिट्टे ते लगे पैने किमें कोचर अर्गे मूँह निकल पाते निकले पे ना पावी कहने ओली अर्गा मूँह निकल आया भाई भाव किहोजी शकल हुई इन्ने महंगे शरीर इन्ने महंगे जीवन किमें बर्बाद कर दिता ना नहाँ की ना धोन की ऐन घोरी बने पैने घोरी बन गए ना नहाँ की ना धोन की ना कोई हसन की ना खेडन की ना किसी गलबात ऐन बिल्कुल घोरी बने पैने। देखो मनुखा शरीर किन्ना सोहना शरीर आ आप पहला गल कर ली इन्ना नमूना वधिया ये नमूना रब जाने रब कितों लेके आया रब जाने मनुखी शरीर का नमूना कितों लेके आया पर इन्ने सोहने शरीर में अज भाव आपां नूं कह दिंदे कि भो दे भाई लगाता हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले कौड़ियां बदली लगा अज दे शब्द च गुरु साहब ने कहा मेरा मन ते तन इन्ना सोहना बन गया हुण इहदी शोभा होण लग गई। इहदी शोभा क्यों हुई आ क्योंकि शोभा करन वाले दाते नाल मैं जुड़ गया ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੇਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਮਕਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਗਾ
भी कोई स्पैशल घर बच्चे जमे, स्पैशल कोई जात बच्चे जमे, स्पैशल कोई किसी देश बच्चे जमे तो सोहना बनता। ये विचार बदल के नाल हिरदे रूपी घर च वो वाहिगुरु परमेश्वर देखने के नाल ही पैदा करने के नाल ही सोहना बन जाता है। तो नहीं तो यह शरीर भाई बहुत गंदा घटिया, ये विचार घटिया, ये खुद भी घटिया, ये अंदर शैतान भी पैदा होंदा ते भगवान भी पैदा होंदा, दो पक्ष देंगे। वो जिवें सियाणे कहिंदे ना इतिहास चंगे काम करन वालियां दा भी बनदा ते इतिहास माड़े काम करन वालियां दा भी बनदा। इतिहास गुरु नानक साहब दा भी आ ते इतिहास बाबर दा भी आ, इतिहास दशमेश पिता दा भी आ ते इतिहास औरंगजेब का भी आ। फर्क इन्ना का उन्होंने संबंध में चलने वाली कलम उन्होंने फटकार पा रही है। तो जिदा आप पहला पक्ष लेता गुरु नानक या गुरु गोबिंद का, तो उन्होंने संबंध में चलने वाली कलम उन्होंने शाबाशी दे। कुख एक बच्चे दो ने विचार अपनता, ठीक है ना, कुख एक बच्चे दो शरीर दो विचार अड्डो। इस करके गुरु साहब कहते तेरे जीवन की जी सफलता वो विचार के आधार पर हो सकता। तू औरंगजेब के घर में पैदा होया होने तेरे विचार सोने हो, नहीं है भी भाव कोई स्पैशल किसी देवते दे घर में किसी स्पैशल भगवान के घर में जमे तो ही चंगा बन सकता। हूँ कितने हरनाक्ष हिस्टरी पढ़ के देख लो, तो कितने प्रहलाद दोनों का प्यो पुतों का जिक्र गुरबाणी में बकायदा किया ना गुरु साहब ने, कितने हरनाक्ष किन्ने घटिया विचार तो कितने प्रहलाद उन्होंने किन्ने वधिया विचार। हरनाक्ष किन्ना माड़ा कहा, उसकी घटिया सोच करके उन्हें गंदे जीवन वाला कह के पुकारिया, तो प्रहलाद नूं की कहा गा वो बहुत सोहने जीवन वाला। कल्ला सोहने जीवन वाला नहीं कहा, सानू भी गुरु साहब ने दस दिता भी जे तुसी मत लैनी आ, अकल लैनी आ, जीवन जीवन का ढंग लैना तो तुसी ना प्रहलाद भगत को पुछ लियो, है तो निका जहा न्याणा ही है ना छोटी जी उम्र का, उन्हें पुछ लियो सुंदर। कहने तो भाव भी कोई स्पैशल थान, कोई स्पैशल जगह, कोई स्पैशल शरीर, उतों जन्म लेके बंदा सोहना नहीं बन सकता, सोहना विचार करके कुखिका भावें शरीर दो ने विचार अड्डो अडने, एक गंदे कामों च पै गया तो एक चंगे कामों च पै गया, दो शरीर। जिमें कि ना गुरु साहब ने इतने सानू दसा है मेरा मन तन गुरु की मातों करके सोहना बन गया भाई, फिर कि मोहे निर्गुण सब गुणे भी हूँगा मैं तो गुणा तो हुईना सी। वो वाहिगुरु ने इसी कृपा की मैं गुणा तो हुईने गुण दे के ना दुनिया के मैं फेमस करता, दुनिया के मेरी चढ़ती कला बना दिती, दया धार अपना कर लेना, तो वाहिगुरु ने मेरे ते दया की, मेरे अंदर उन्हें कोई ख्याल पैदा किया, वो ख्याल के आधार पर मैं चंगा काम किया। जिमें एक ना बरतानिया के कमेंट्री शहर का नाम आता, उतों का एक राजा जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा अयाशी नसई आ करैक्टर तो गिरिया हुआ, उन्हें उतों का एक सिस्टम बनाया भी जिन्होंने करजे माफ करवाने की, अज भी सरकार सानू कह दिया ने जिन्होंने करजे माफ करवाने। सब तो वधिया गल है भी करजा कोशिश करो चढ़ने ना दे, चलो कोई बीमारी थमारी या कोई विआह का वो अलग विषय भी फोकट करमां विच पै के जिन्ना हो सकता सरकारी करजे तो दुनियावी करजे तो बच गए जिन्ना भी हो सकता है गुरु कृपा करे करजा माफ़ किया जाओ, उन्हां दा टैक्स माफ किया जाओ किन्ना दा। हुण ते सवाल ये है कि किन्ना दा, जो ये सवाल होंगे ना भी कि माफ किया जाओ जिन्ना ने, अगली गल जिन्ना ने मेरी मनपसंद मेरी मनपसंद मेरे मुताबक अपन धियां का कुआरिया बच्चिया का डोला मेरे घर में भेजता। देखो आ काम कौन कर सकता, ना गरीब कर सकता ना अमीर कर सकता,
मजबूरी बस है। हुण एक फतवा जारी करता है, कह लो ये हुक्म जारी कर दिता। अच्छा चोन मैं करूँ, जो इतने लफज वरते गए ना भी तुसी अपनिया बच्चियां नूं वस्त्रहीन करके रस्तियां दे विच चुराहियां दे विच रोक दिओ, चोन मैं कर। देखो किड्डा वड्डा कह, छोटी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। लोग रोंदे ने, पिटदे ने, दुहत्थड़े मारदे ने, इन्ने औखे भी की करिए ते की छड्डिए। मर नहीं हुंदा, बस जिंदगी जीउण वाला कोई हाल नहीं। बरतानिया का कमेंट्री शहर का मतलब कि एक पक्ष है जो अज भी उन्होंने इतिहास ये गल दसदा गा। एक गल थोड़ी बिचो मैं कह देवा, इसे बरतानिया शहर के शहर के कमेंट्री शहर के सब तो पहला सैकल बनया, मोटरसाइकिल सब तो पहला इतने बनया, गड्डी का पहला नमूना पहला ढांचा इसे शहर के तैयार हो। मतलब शहर इं मान लो भी चढ़ती कला चा, पर जिते शहर चढ़ती कला च ना तो उतों का राजा भी है भावें चढ़ती कला च उन्होंने मुताबिक। पर एक गल वेखनी पऊ, जो वो सोच आ, जो वो विचार ने, जो वो गंदी नीति आ, बहुत घटिया, उन्होंने आप गरकया हो गिरया हो घटिया इंसान कह सकेंगे। साड़ी जुबान च किन्ना कोनू घटिया कहिए लफज नहीं है ना, भी जो आप कहने तेरी किन्नी कोशिश करिए साढ़े को भाई बोल नहीं इवें जिमें आप कह सकते भी तेनों किन्ना गंदा कहिए, गंदा कहने लिए भी साढ़े को लफज नहीं है। पर होया कि आप हमने गल की खिका शरीर दो विचार अड्डा। हमने राजे की एक भैन आ जिदा उन्होंने शहर मुताबक उतों के मुताबक ना गा गुडी वाल, चलो उन्होंने आम तौर पर माता गुडी कह के पुकारा जाता है। तो उन्हें की किया, दो शरीर हैं, दोनों भैन भरावान का एक कुखों जन्मा, विचार अलग अलग। इस नौजवान बच्ची ने अपनी पहुँच लोगों तक की, क्योंकि अजिहा राजा हो, अजिहे राजे की औलाद हो, भैन भरा हो, अजिहे घटिया काम करने वाले राजे की कोई बच्ची कोई बच्चा कोई भैन आम लोगों में नहीं विचर सकता, उसकी जान को खतरा, वो मारा जा सकता। क्यों मारा जा सकता? क्योंकि लोगों के अंदर रोस आ भी भाव तेरा भरा जा तेरा पति जा तेरा प्यो अजिहे काम करता है। इस बच्ची ने लोगों के विचर के अपना नमूना बदल के लोगों में विचर के लोगों का हाल सुनिया अपने कन्ना के नाल, भी इन्ने लोग औखे, इन धीं मेरिया भैन औखिया ने जिन्हों का हाल किसी रूप च सुनिया नहीं जाता, वेख्या नहीं जाता। की हल हो सकता? हल की हो सकता? समझाया अपने भरा भरावा तेरी गल बहुत माड़ी है। तो देखो मैं पॉइंट दोबारा नहीं बोलना, तुम समझ गए भी उन्हें चोन की होना चाहिए, भी जो तुम अपना टैक्स माफ करवाना ना तो की होना चाहिए। अज भी यही हाल है ना, 500 दो जाए करो जाए करो ऐ करो जाए करो, अज भी उही हाल है ना, सेम ही है। तो पर चेता रखियो उस बच्ची ने जदों वीर ना समझिया है भावें भरा, जदों ना समझिया लाणता एक नहीं हजार सैकड़े लाणता पड़ जा, दिल फुटे हो इदा के भाव लफज वो वरते। हुण कीता की जावे होवे कि जिस कारण दे नाल उहदा भरा ये मंदड़े काम करदा, जिहड़े मंदड़े काम करदा नूं लफज ही बोलण च ही मंदे काम आ, पर इन्ने गंदे ने जिहड़े इंसानियत नूं देखण नूं सुणन नूं बोलण नूं भाव चुप करा देने के कोई मजबूर नहीं करते कि तू बोल जां वेख जां सुन, उहदे कोले कोई लफज नहीं रहिंदा। हुण इस बच्ची ने अपने कहरकार नूं कहा भी मेरे वास्ते घोड़ा तैयार किया जाए। घोड़ा तैयार किया गया, जिहड़ी सोच इहदे भरा दी आ भी बच्चियां नूं निर्वस्त्र करके चुराहे च लिआंदा जाए, चोण मैं करनी आ, जिहड़ा मैनूं अपनी धी देवेगा उन्हां दा टैक्स उन्हां दा कर्जा माफ, ते मूँह मंगा उन्हां ना मिलूगा। हुण आ गंदी सोच नूं कोई भी नहीं पढ़ा सकता, गरीब तो गरीब ही नहीं पढ़ा सकता, जिहदी इज्जत आ, चलो एक वक्री गल आ भी जिहड़ा इज्जत तो गिर गया तो एक अलग विषय आ।
पर जिन्हों की इज्जत है ना अगला मर जू पर इन्हों के हालात अपनी जिंदगी नहीं पाता। लोगों ने नहीं पाया पर मजबूरी बस कोरड़े मार के धक्के इन्हों हालात वो राजे ने अपने शहर के बनवाए इदा के हालात बनवाए तो फिर वो इलाज की है आप हमने पढ़िया सीगा इलाज की है दया धार अपना कर दीना केंद्र फिर रब न किसी बिच बोल पैंदा रब परमात्मा है सारे बिच ही आ पर प्रगट किसी किसी हुंदा किसी च बोल पैंदा जिहदे च बोल पैंदा गा वह महान बन जांदा गा वह किसी च भी बोल सकदा किसी तो वाहिगुरु परमेश्वर मंदड़े काम करवाउंदा वो इन्ने क मंदड़े काम करदा भी परमात्मा वह रस्सी लाहदा कि जिवें तैनूं चंगा लगदा उवें करदा फिर उन्हों खत्म करने लिए किसी के अपना रूप प्रगट कर लगा किसी के अपना रूप उन्होंने खत्म करने के लिए ये निजम आ परमात्मा का असूल आ वो परमात्मा का हूँ बच्ची ने की किया खुद आप निर्वस्त्र हुई घोड़े पर सवार हुई पिंड शहर उन्हें गेड़ा कढ़ना शुरू कर दिता कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं जो शहर पिंड जाना शुरू कर दिता ना हर कोई शर्म के नाल अखा बंद कर लेंदा भी कौन आ कोई रोड़े मारदा पागल आ कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता पर अजे पूरी पहचान नहीं भी ये राजे की भैन आ अजे पूरी पहचान नहीं है जो इदा के हालात बन गए ना गुजरन लग गए पिंड सियाने पुरख दाने पुरख मूहरे आए घोड़े को पकड़िया अखा बंद कीतियां बचिए धीए तू कौन आ पुत्ता कि तू विचर रही है की तेन मर जा की बीमारी है दस ना भला सियाने मूहरे आए दसना किया जे तुम मैं अपनी धी कहा वैसे मैं आस नहीं सी कोई मैं धी कह दो मैं आस नहीं सी मैं कोई भैन कह दो पर जे तुम मैं भैन या धी कह के बुलाया ना तो मैं दस दिनी हाँ मैं कौन आ मैं हाँ राजे की भैन लोग तू राजे की भैन आ ते आह लिबास की बनाया तू अपना वेस की बनाया किहो जे हालात में गुजर रही हाँ ये क्यों गुजर रही हाँ दसना किया कहती है मैं तुहाडे करके गुजर रही हाँ तुहाडे विचों किसी शहर चो किसी पिंड चो मेरे भाई का गल कट्टण दे लई मेरे भाई की लगाम पकड़न दे लई मेरे भाई के नत्थ पाउण दे लई एक भी नहीं खड़ा होया तुहाडियां मरिया हुई जमीरां जगाउण दे लई मैं नंगी हो के निर्वस्त्र हो के तुहाडे सामने आई हाँ की है कोई जाग पे हुण तुसीं मेरे कोल आए हो मैनू धी कहा मैनू बच्ची कहा तो मैं तुहानू अपना हाल दसदा भी जिथे तुहाडियां भैणां दा देह दा वपार शुरू हो गया ना तुहाडियां बच्चियां दा वपार शुरू हो गया तो ये वपार गंदे कर्म के संबंधी मैं अपने भरा थोड़ा जगाना चाहनी हाँ वो मेरे तक पहुँच होवे हुण तुहाडे तक तो मेरी पहुँच होगी हुण मेरे भरा तक पहुँच होवे लाला लाला होगी गल कितों तक पहुँच गई राजे तक पहुँच गई राजे की भैन शहर च पिंड च निर्वस्त्र हो के वस्त्रहीन हो के गेड़े कढ़ रही है इधरों वो बजुर्गों नाल सियाने पुरखों नाल उस बच्ची ने गल की नेत्र बंद करके बीबिया अगे करके सारी गलबात की क्यों तू कर रही हाँ केवल तुहाडी इज्जत नूं बचाउण दे की है मेरे भरा नूं जाग आ जाए होश आ जाए होश आ गई माड़े काम छड्डते तां शाबाशे ते नहीं मैं अजिहा सबक सिखावांगी इस बरतानिया कमेंट्री शहर के आने वाले वक्त में जिहड़ा भी राजा होगा वो अजिहा काम नहीं करेगा मैं आ सबक सिखा के दिया तो जो इदा के हालात इदा की गलबात की ना भरा तक गल पहुंची राजा एकदम पहुंचया लोगों के आया अखा बंद ने भैने तू की करती फिरती है तेन संघ नहीं आती कि मैं राजा गा मेरी इज्जत तू खे करती है करता जिमें बोलता बंदा इदा बोलिया ना हूँ भैन हस के बोली है कहती कि दुख आया कि दुख आया हूँ दुख तो आपको पता तड़फता रही है भी आह तू की करनी है कि दुख आया बहुत ज़्यादा दुख आना फिर जिन्हों तू भाव अपने जिसम की भुख मिटाने लिए जिसम का देह का वपार करना शुरू किया
शर्त रखी है जिन्होंने टैक्स माफ करवाना गा ये लोगों में कोई जागदी जमीर वाला नहीं है पर इन्हों जगा मैं आ कुछ किया जे तेनू मेरा दुख आ ना तो सारिया बच्चियों आजाद कर अगे तो मता पा ये भाव कानून बना भी अजिहा कर्म इस धरती से नहीं किया जाएगा मन गया क्योंकि सैन की कहावत आ ना दूजिया के घर लगी अग तो अपने वाहगुरु दूजिया के घर लगी बसंतरा तो अपने घर लगी अग दूजा नहीं कहना ना बसंतर देवता अग देवता जो अपने लगती है फिर बंदा भजदा फिर ही तुरदा ना तो गुरु नानक के घर का उपदेश की आ देख पराइया चंगिया मावं धीं भैं जाने वो घर का उपदेश यह है एका नारी जती हो पर नारी धी भैन पाने पर रूपना पेख है नेत्र साध की टहल संत संघ हेत करण ना सुना है काहू की निंदा सब ते जान है आपस को मंदा है गुरु नानक के घर का संधांत है ना पर वाहगुरु भला करे ये संधांत नाल भी कहना कोई ब्रैकट के अपन गल करनी पैनी है ये संधांत किते किते संधांत ना किते किते आ किते किते बस इन ही समझो तुम काफ़ी आ नहीं तो ना सच्ची गल कह दी एक गुरु घर भी आशकी दे अड्डे बन गए सच्ची गल मुंडिया करके कुड़िया जाते हैं कुड़िया करके मुंडे जाते हैं बुरा ना मनायो बिरलिया छड़ के प्यार वाले छड़ के टोलना बन गई ये टोलना बनाना गुरु घर की मर्यादा कौन जागू कौन बोलू प्रबंधक बोलणगे ग्रंथी बोलूगा पिंड का कोई पंच सरपंच बोलू कोई नहीं बोलता बोल के रखो नहीं किसी की कोई जरूरत है भी आह कर्म धर्म के नाते आह कर्म हो जाए सोच के देखो आप गल किए कितने कितने आ जिथे कोई जागती रूह आ भी नहीं भाई इतने तो गुरु नानक का संधांत देख पराइया चंगी असी करमी वह करने जाके जाओ सुगल मेले करो तो फिर साढ़े नालों वो लोग किन्ने के चंगे ने जिन्होंने अपने देश च ये कानून बनवाता भी इतने कोई माड़ी निगाह झाकूगा तो वह पर्दाफाश होगा वो बच्ची जिन्हों भाव गुड्डी वा कहा जाता है जिन्हों गुड्डी धी कह के पुकारा जाता सीगा अच्छा हुण वो बच्ची ने मता पवाया सारे लोगों ने उस बच्ची मां कह के पुकारा कुआरी बच्ची आ विआह नहीं होया 1040 तो लेके 1040 दे विच जन्म हुंदा तो 1080 दे विच मौत हुंदी है 40 सालों के आसे की भाव उम्र उस बच्ची ने वरतानिया शहर के एक मिसाल कायम कर दिती तो जिस व्यक्ति ने लेख लिखिया ना वह कहना मैं खुद जाके वेख्या अज भी उस धरती पर वह बच्ची का बिजली से चलण वाला बुत बनाया गया नंगे रूप दे विच एक घंटे बाद पड़दे पासे हुंदे ने जिन्होंने वेखना मत्था टेकना धार्मिक उन्होंने भाव सत्कार देना उस टाइम तो दिता उस तो बाद पढ़ते फिर लग जाते फिर एक घंटे बाद खुलते हैं फिर दर्शन होते भाव वह बुढ़ी वा औरत बरतानिया की एक मशहूर माँ के रूप में पैदा हुई जिन्हें एक मता दवाता भी इतने देह का व्यापारता की इतने किसी कहीं कोई माड़ी अख भी नहीं वेख सकेगा इनू की कहा जाता अंदर गुरु बोल पिया अंदर रब बोल पिया अंदर वो बोल पिया जिहड़ा सानू बुला रहा गा वैसे तो असीं अपनी मत मुताबक बोलते हैं हुण वह आप बोल पिया जिन्हों आप कहने ना सारिया घटा के आप बोलता वो जिहड़ा सारिया घटा च बोलता ना अंदर बोल के फिर इदा एक कुखों जन्मे हुए दो बच्चे एक दे गंदे विचार एक दे चंगे विचार चंगे विचार वाला गंदे विचार वाले ते हावी हो गया अज उल्ट हो गया चंगे विचार वाले ते गंदे विचार वाले हावी हो गए अजुट हो गया सो गुरु कृपा करे इतों इशारा किया भी वह परमात्मा ने भाई मेरा मन तो मेरा तन सोहना बना दिता अपनी विचार चलती सी हूँ राजा भावें अजासी सी पर मन तो तन वो भैन ने लोगों में विचर के इदा की तरतीब बना के सोहना बना दिता कर कृपा मेरे घर आया हूँ वाहगुरु ने मेरे ते कृपा की मेरे घर में आ गया शरीर रूपी घर में बोलन लग गया फिर अगे पाशाह जी कहते हैं कि भगत वसल भय काटण हारे मैं वह बन गया भगत वो परमात्मा की है वसल भगतान तारण वाला भगत वसल भय मेरा उन्हें डर कटता हूँ मैं डर लगनों हट गया वो बच्ची भावें किसी भी शहर की आ पर डर लगना हट गया क्योंकि मैं डर लगते नहीं सर
मैं तो समाज के लोगों भी निडर करना जिन्हों दमीर खत्म हो गए ना उन्होंने मैं अग लाई चिणक लाई उठो जागो बोलो वह भी बोले फिर उन्होंने भी जगा लिया ठीक है ना। फिर अगे पासे कहते संसार सागर अब उतरे पारे इदा का जीवन सोहना जीवन सोहने विचार वाला जीवन लेके असी संसार सागर तो पार हो सकते हाँ। लास्ट में गुरु साहब जी कहते पत पावन प्रभ गुरत वेद देखिया पार ब्रह सुन देखिया हूँ मैं मेरे मालक को हर थान पर अपन अखा के नाल देखना शुरू कर दिता साध संग प्रगटे नारायण सतसंगिया के परमात्मा प्रगट होंदा नारायण जिहड़ा जल थल दे विच है नानक दास सब दुख पलैण नानक कह रहा है वो वाहिगुरु ने मेरे सारे दुख निवृत कर दिए तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघन न को लागे अरदास किते की करनी है जाकी प्रभ आगे अरदास। सो इतों तक विचार समाप्त बोलने तो बड़े भुला रहे हैं संगत गुरु साहब बख्शन योग ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली।